जींद सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता खंड प्रधान करमबीर भंभेवा ने की। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मांगों का ज्ञापन नगराधीश को सौंपा। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला सचिव राजेंद्र सैनी और वित्त सचिव सतीश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में प्रदेश के कर्मचारी अब निर्णायक आंदोलन 14 से 20 मार्च तक करेंगे। इस आंदोलन के तहत प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जाएगा। इसके बाद 21 मार्च से 27 मार्च तक जिला उपायुक्त कार्यालय पर डेरा डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी जारी रही तो 29 अप्रैल को राज्य स्तरीय आक्रोश रैली करके निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। सोमवार को जींद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और विभागों में ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। इन कर्मचारियों ने जींद में प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि सरकार ने उनके साथ समझौता किया था जिसमें माना था कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, समान काम समान वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है और आज तक एक भी समझौते को लागू नहीं किया गया। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि विभागों से तुरंत ठेकेदारी बंद की जाए। इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि 21 मार्च से 28 मार्च तक सभी जिला में पड़ाव डालेंगे और 29 अप्रैल को जींद या खरनाल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन कर सरकार के खिलाफ विकल बजा दिया जाएगा। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। सरकार के जो वादे थे उनके अनुसार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो समझौता किया था सरकार के साथ, उसको कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, जब तक पक्का ना किया जाए समान काम समान वेतन देना, और जिन विभागों में ठेकेदार है उन ठेकेदारों को बीच से निकाल के डीसी रेट पे उनको लेके जाना, और पक्के करने तक नई भर्ती, पक्के तौर पर अगली भर्ती नहीं हो, ठेकेदारों को बीच में से समाप्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। ये जो प्रदर्शन है आज का पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक हेडक्वार्टरों पे है और आने वाले दिनों में जिला हेडक्वार्टर पे, डीसी कार्यालय पे लगातार हम पड़ाव डालेंगे, जिसका जो लगातार 7 दिन का रहेगा। उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक रैली, बहुत बड़ी रैली पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जोड़ते हुए करेगा, और इस रैली के बाद निर्णायक आंदोलन की घोषणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कर्मचारी अपनी इसको हड़ताल तक भी लेके जाने का सर्व कर्मचारी संघ आह्वान करेगा।